अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग म्यूनिख में हैं और ये स्टूडेंट अकोमोडेशन में आए हैं। इसको कहते हैं स्टीबो स्टूडेंट अकोमोडेशन। मेरे साथ हैं पूरम भाई जो पीएचडी कर रहे हैं बायोलॉजी की फील्ड में। पूरम भाई, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जश्न आज़ादी के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और तू थर्ड मैन खड़ा हो जा। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको हम लोगों को जिस जिस फील्ड में भी हैं हम लोग, उसमें अपना एक्सपर्टीज़ गेन करनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए फर्दर कि हम उसे कंट्री की बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वो आपका जो स्टडी है या जो आपकी पर्टिकुलर स्किल है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज़फुल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है यही एक सबसे बड़ी कामयाबी होगी एज ए स्टूडेंट हमारी। वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और म्यूनिख में कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे लाइफ के बारे में? पाकिस्तान से दूर पाकिस्तान की कम्युनिटी देखो, सबसे अच्छी गैदरिंग है यहाँ। जी जी, देख सकते हैं मतलब ये ऑलमोस्ट हर छुट्टी वाले दिन या एटलीस्ट हर वीकेंड पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको बिल्कुल होम फील होता है यहाँ पे। ऑफकोर्स वो जो आपकी वो होम वाली होम सिकनेस है वो तो होगी ही आपको, लेकिन आप ऐसे ही लगता है कि आप लोग अपने भाइयों के दरमियान हैं। और बिल्कुल गेट टुगेदर, बहुत गेट टुगेदर आप सराउंडेड होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं होते। भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अपने टाइम का। जी, अब हमारे साथ हैं उस्मान। उस्मान ये बताएं, आप मास्टर्स यहाँ पे किस फील्ड में कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का नाम भी बताएं। म्यूनिख में मैं मास्टर कर रहा हूँ माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी में, एक्चुअली म्यूनिख दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, अनलाइक आपके जो है वो TUM दैट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑन द अदर साइड हुशुला दैट इज अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी। और किस फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं? मैं माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। और राइट टफ, बट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम, एंड अगर आप टाइम देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो कर लेंगे। दैट्स नॉट वेरी गुड। चलें हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, और आगे भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। गुड टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ है जी फ्यूचर के डॉक्टर उमर अनवार, यहाँ PhD कर रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख से। तो उमर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो किस फील्ड में आप PhD कर रहे हैं? मैं मशीन लर्निंग के अंदर PhD कर रहा हूँ, फिलहाल डीप लर्निंग में। अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आज 14 अगस्त का दिन है, इस हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? 14 अगस्त की सब अहले वतन को मुबारकबाद हो, और कश्मीर भाइयों को उस 14 अगस्त के दिन याद रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। और जो जर्मनी में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? होप अपने वतन की किस तरह खिदमत कर सकते हैं? बस ये कि दिल लगा के काम करें, अगर आप जॉब करें तो जॉब में अच्छा अपना नाम करें, और अगर आप पढ़ाई करें पढ़ाई में अच्छी तरह से नाम पैदा करें। और इसके साथ ये है कि कोशिश करें कि जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटीग्रेट हो। थैंक यू। जी दोस्तों, तो इस टाइम हम लोग म्यूनिख में, और मेरे साथ हैं जी राय हनान। काफ़ी लोग इनको क्रिकेट की वजह से तो जानते ही हैं, कि काफ़ी टूर्नामेंट्स में 8 का नाम रोशन कर चुके हैं। हनान कैसे हैं आप? जी मैं हनान किस फील्ड में मास्टर्स कर रहा हूँ? जी मैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स में मास्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्लीट कर चुके? जॉब सर्च कर रहे हैं? जॉब स्टार्ट कर दिया? जी जी जॉब सर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी जॉब सर्च में आसानी करे। तो आज 14 अगस्त का दिन है, यहाँ स्टूडेंट सारे म्यूनिख में क्रिकेट खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये सबको आज़ादी की नेमत मुबारक हो, और उनको उसका अप्रिशिएट करना चाहिए जो इस नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी है। बिल्कुल। और जो बाहर रहते हैं हमारे तरह, उनको चाहिए कि अपने अच्छे तरीके से नुमाइंदगी किया करें अपने मुल्क की, जिस जो काम कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा करें। ठीक ठीक। और अपने लोगों की जिस हद तक हो सके ताउन दूसरे के साथ और मिलजुल कर रहना चाहिए, बाकी लोगों के साथ भी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।